आज मैं आप लोग के लिए 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने पूरा ही फ्यूचर को देखते हुए और लॉजिक के साथ स्टॉक सेलेक्ट किया है। मैंने 5 सेक्टर लिया है, 5 सेक्टर से 2-2 करके स्टॉक्स लिए हैं और मैंने कोई भी रैंडम स्टॉक्स नहीं लिए हैं। और ये सारे स्टॉक्स एक तरह से फंडामेंटली स्ट्रांग भी है। इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ये सारे स्टॉक्स भी है। और हाँ, मैं आप लोग को 100% गारंटी से बोल सकता हूँ कि जिसने भी ये पूरा वीडियो देखा उसको पसंद ज़रूर आएगा। तो चलिए बिना किसी देर कर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो सेक्टर है वो है इलेक्ट्रिक सेक्टर। इलेक्ट्रिक सेक्टर से जुड़े एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ आया है। दरअसल बात यह है कि पीएम ई सेवा शुरू करने जा रही है 169 सिटीज़ में। तो पीएम ई सेवा के लिए 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस की ज़रूरत है और हमारे गवर्नमेंट ने तो इसके लिए फ़ंड भी अलॉट कर दिया है, वो भी 1,000-2,000 करोड़ का नहीं, हाईली अमाउंट में, जैसे 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं जो इलेक्ट्रिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं, जो स्टॉक्स है, उसको होने वाला है बम्पर फ़ायदा। तो मैं आप लोग के लिए इलेक्ट्रिक सेक्टर से 2 स्टॉक्स लिया हूं। बात यह है कि इलेक्ट्रिक सेक्टर में तो बहुत सारे स्टॉक्स है, बहुत सारी कंपनियां हैं, पर मैं इसमें 2 मेजर कंपनियां हैं उसी को लिया हूं। सबसे पहला है टाटा मोटर्स, और टाटा मोटर का शेयर प्राइस 620 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग इसमें 10,000 इन्वेस्ट करेंगे और इसका हम लोग के पास 16 क्वांटिटी आएगा टाटा मोटर्स की। तो आप लोग हर स्टॉक्स में हम लोग 10,000 करके इन्वेस्ट करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग टाटा मोटर्स का फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं, कैसी ये कंपनी। टाटा मोटर्स का फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो मार्केट कैपिटल 2,25,000 करोड़ का है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है। डेप्ट देख सकते हैं 1,34,113 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट 10,000 करोड़ का है, यानी कि नेट प्रॉफिट से डेप्ट काफ़ी ज़्यादा है। फ्री कैश फ्लो 16,000 करोड़ का है। डेप्ट टू इक्विटी 1 से ज़्यादा है। अगर किसी कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी 1 से नीचे रहता है तो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। ROCE 6%, ROE 5%। अगर कोई कंपनी का 15% से ज़्यादा ROCE और ROE रहता है तो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। प्रमोटर होल्डिंग 46% की है और यहाँ डिविडेंड यील्ड 0.32% की है। क्योंकि ये टाटा की कंपनी है तो इसमें हम लोग भरोसा कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक सेक्टर की सेकेंड स्टॉक है वो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड। इसका शेयर प्राइस 1,230 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसका हम लोग 10,000 इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो इसका हम लोग के पास 8 क्वांटिटी आएगा। तो चलिए इसका भी एक बार फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड का फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो मार्केट कैपिटल 10,000 करोड़ का है। ये एक मिड कैप कंपनी है। स्टॉक पी 150, इंडस्ट्री पी 33, यानी कि ये कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा में मिल रही है। ये कंपनी ओवर वैल्यूड है। ROCE 13% है, ROE 8% का है। अगर कोई कंपनी का 50% ज़्यादा रहता है तो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। ROCE इसका काफ़ी अच्छा है, ROE थोड़ी सी कम है। और यहाँ पर डेप्ट देख सकते हैं 134 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट 68 करोड़ का है। फ्री कैश फ्लो -74 करोड़ का है। प्रमोटर होल्डिंग 50% है। अगर कोई कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा रहती है तो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। डेप्ट टू इक्विटी 1 से कम है तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इलेक्ट्रिक सेक्टर के 2 स्टॉक का लेने का मतलब मेरा ये है कि 10,000 EV बस सरकार को जरूरत है और ये 10,000 कोई एक कंपनी को अभी नहीं, मतलब कि ऑर्डर अभी तक नहीं मिला है कौन सी कंपनी इलेक्ट्रिक बस प्रोवाइड करेगी। तो इसलिए मैंने ये 2 मेजर कंपनी का स्टॉक्स आप लोग को बताया है। ये दोनों स्टॉक्स में किसी को भी हाफ ऑफ क्वान्टिटी में मिल सकता है या पूरा भी मिल सकता है, तो इसलिए हम लोग इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं। हमारा सेकेंड सेक्टर है वो है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर 2-3 साल में काफ़ी ज़्यादा इसके स्टॉक्स भागे हैं। इसका रीज़न है हमारे गवर्नमेंट का एक स्ट्रॉन्ग करना डिफेंस सेक्टर को, और ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करना दूसरे देश में, जैसे मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, आर्म इक्विपमेंट जैसे प्रोडक्ट को। तो डिफेंस सेक्टर का जो पहला स्टॉक है वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका शेयर प्राइस 3,810 रुपीज़ चल रहा है। तो इसमें हम लोग 10,000 इन्वेस्ट करेंगे तो इसका क्वांटिटी हम लोग पास 2 आएगा। अगर हम लोग 3 क्वांटिटी करेंगे तो 10,000 से ज़्यादा अमाउंट आ जाएगा। तो रेस्ट अमाउंट हम लोग रखेंगे, बाद में बताऊँगा इसका कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब इसका एक बार हम लोग फंडामेंटल्स को भी देख लेते हैं। HAL का फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो मार्केट कैपिटल 1,31,000 करोड़ का है, यानी कि ये कंपनी लार्ज कैप है। स्टॉक पी 21 का है, इंडस्ट्री पी 32 का है, यानी कि ये कंपनी अभी भी हम लोग को सस्ते में मिल रही है। ROCE देख सकते हैं 30% का, ROE देख सकते हैं 27% की, यानी कि ROCE और ROE काफ़ी अच्छा है।
यहाँ पर डेब्ट देख सकते हैं 51 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट देख सकते हैं 6000 करोड़ का है, प्रमोटर होल्डिंग 71% की है, डेब्ट टू इक्विटी 0 है, यानी कि ये कंपनी बोल सकते हैं हम लोग की पूरी तरह से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। डिफेंस सेक्टर का सेकेंड स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका शेयर प्राइस 127 रुपीज चल रहा है। तो हम लोग इसमें 10,000 इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोग क्वांटिटी 78 मिलेगा, इसका 78 क्वांटिटी हमारे पास होंगे। तो चलिए इसका भी एक बार फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो मार्केट कैपिटल 97,000 करोड़ का है, यानी कि ये भी लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक पी 30 का है, इंडस्ट्री पी 66 का है, यानी कि ये भी कंपनी हम लोग को सस्ते में मिल रही है। आरओसीई और आरओई देखिए तो आप लोग 30% और 22% का है, या काफ़ी अच्छा है इसका आरओसीई और आरओई। डेप्ट 61 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट 3159 करोड़ का है, और फ्री कैश फ्लो भी 678 करोड़ का है। प्रोमोटर होल्डिंग 51% की है, डेप्ट टू इक्विटी 0 है, और ये कंपनी का डिविडेंड यील्ड 1.34% है। ये भी कंपनी फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। हमारा थर्ड सेक्टर वो है रेलवे सेक्टर। इन दिनों रेलवे सेक्टर के भी स्टॉक्स बहुत ही न्यूज़ में है, क्योंकि जो हमारा जो वंदे भारत ट्रेन है, गवर्नमेंट इसे हर सिटीज़ हर स्टेट में लॉन्च कर रही है। तो वंदे भारत से 2-3 स्टॉक है जिसको बहुत ही ज़्यादा फायदा हो रहा है। रेलवे सेक्टर का जो पहला स्टॉक है वो है RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, इसका शेयर प्राइस 123 रुपीज़ चल रहा है, और इसमें हम लोग 10,000 इन्वेस्ट करेंगे तो 81 क्वांटिटी हमारे पास आएगा। तो चलिए इसका भी एक बार फंडामेंटल्स को जल्दी से देख लेते हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड का फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो मार्केट कैपिटल 26,000 करोड़ का है, ये एक मिड कैप कंपनी है, स्टॉक पी 17 का है, इंडस्ट्री पी 32 का है, यानी कि ये कंपनी हमें सस्ती मिल रही है। आरओसीई और आरओई 15% से दोनों ज़्यादा है। डेप्ट दे सकते हैं 6,441 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट 1,466 करोड़ का है, फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में है 4,000 करोड़ का, प्रमोटर होल्डिंग 72% का है, डिविडेंड 1.41% देती है कंपनी, और डेप्ट इक्विटी 0.88 है, यानी कि 1 से नीचे है। ऑलमोस्ट ये डेट फ्री है, यानी कि डेट फ्री तो नहीं कह सकते, यानी कि ये कंपनी कैपेबल है अपने डेप्ट को चुकाने में। रेलवे सेक्टर का जो हमारा सेकेंड स्टॉक है वो है IRFC, इंडियन रेलवे फिनांस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका शेयर प्राइस 47 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग इसमें 10,000 इन्वेस्ट करेंगे तो 212 क्वांटिटी हमारे पास होगी। तो चलिए इसका भी फंडामेंटल्स को एक बार चेक कर लेते हैं। IRFC का फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो मार्केट कैपिटल 62,000 करोड़ का है, ये एक लार्ज कैप कंपनी है, स्टॉक पी 10 का है, इंडस्ट्री पी 7 का है, यानी कि ये कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ी हम लोग को ज़्यादा मिल रही है। ROCE और ROE, ROCE 5% का है, ROE 14% का है, यानी कि ROCE 15% से थोड़ी नीचे है। डेप्ट 410,000 करोड़ का है, और नेट प्रॉफिट 6,000 करोड़ का है, फ्री कैश फ्लो 28,000 करोड़ नेगेटिव में है, प्रमोटर की होल्डिंग 86% की है, डेप्ट इक्विटी 1 से काफ़ी ज़्यादा है 8.72 है, और डिविडेंड यील्ड 1.68% की है, यानी कि ये कंपनी फंडामेंटली तो उतनी स्ट्रांग है नहीं, पर ये फ्यूचर को देखते हुए काम कर रही है, तो हो सकता है इसका फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो सकता है। हमारा फोर्थ सेक्टर वो है शुगर सेक्टर। ये सेक्टर का लेने का वजह ये है कि जो हम लोग पेट्रोल भराते हैं अपने कार या बाइक में, उस पेट्रोल में 10% इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाती है, पर जो हमारे वाहन मंत्री है नितिन गडकरी जी, उन्होंने कहा है कि अब पेट्रोल में 40% इथेनॉल मिलाया जाएगा। इससे होगा क्या कि जो पेट्रोल का प्राइस ज़्यादा है वो हम लोग को कम में मिलेगा। तो पेट्रोल और इथेनॉल से क्या लेना देना है, जो इथेनॉल होता है वो गन्ने से बनता है, गन्ने वाली कंपनी और इथेनॉल वाली कंपनी को होने वाला है बम्पर प्रॉफिट, क्योंकि ये दोनों चीज़ शुगर से बनती है। तो मैंने शुगर के 2 स्टॉक्स लिए हैं, तो चलिए देखते हैं। तो शुगर सेक्टर का जो पहला स्टॉक है वो है प्राज इंडस्ट्री, और ये इंडस्ट्री की खास बात है ये प्राज कंपनी की कि इसका 60% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर है इथेनॉल सेक्टर में, और इसका शेयर प्राइस 490 रुपीज़ चल रहा है। तो हम लोग 10,000 इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास 20 क्वांटिटी आएगी। तो चलिए इसका भी एक बार फंडामेंटल्स को देख लेते हैं हम लोग। प्राज इंडस्ट्री का मार्केट कैपिटल के बारे में बात करें तो 9,000 करोड़ का है, यानी कि ये कंपनी मिड कैप कंपनी है, स्टॉक पी 35 का है, इंडस्ट्री पी 32 का है, यानी कि ये कंपनी हम लोग को थोड़ी महंगी मिल रही है। ROCE और ROE देख सकते हैं आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 15% से दोनों ही ऊपर है। डेप्ट 42 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट 257 करोड़ का है, फ्री कैश फ्लो 127 करोड़ के पास है,
और डेप्ट टू इक्विटी 0.04 है, यानी कि ना के बराबर इस कंपनी के ऊपर डेप्ट है। प्रमोटर होल्डिंग 32% है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि 50% से कम है इसमें प्रमोटर होल्डिंग। और यहाँ डिविडेंड यील्ड 0.94% है। ये कंपनी वैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ इसका नेगेटिव पॉइंट प्रमोटर होल्डिंग है। शुगर सेक्टर का जो सेकंड स्टॉक है वो है श्री रेणुका लिमिटेड। इसका शेयर प्राइस 45 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो हम लोग इसमें 10,000 इन्वेस्ट करेंगे तो इसका 222 क्वांटिटीज़ हमारे पास होगी। तो चलिए इसका भी एक बार हम लोग फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। श्री रेणुका लिमिटेड का फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो मार्केट कैपिटल 9,600 करोड़ का है। ये एक तरह से स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है। इंडस्ट्री पी 14 का है, आरओसी 8% का है, आरओई अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग डेप्ट 5,569 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट भी नेगेटिव में है। फ्री कैश फ्लो 526 करोड़ का है। यहाँ पर डेप्ट टू इक्विटी भी अवेलेबल नहीं है और प्रमोटर की होल्डिंग 62% की है। पर मैं आप लोग को एक बात क्लियर बता दूँ, मैं यहाँ पर फंडामेंटल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू मिल सके कंपनी के ऊपर। वैसे तो मैं फ्यूचर को देखते हुए ये सारे स्टॉक पिक किया हूँ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी का फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो। वो कंपनी का फंडामेंटल्स थोड़ी ख़राब भी हो सकती है क्योंकि वो फ्यूचर को देखते हुए काम करेगी, इसलिए उसका इम्प्रूव भी हो सकता है। हमारा लास्ट और फिफ्थ सेक्टर है, वो है 5G सेक्टर। आप लोग तो जानते ही होंगे अभी हम लोग 4G यूज़ कर रहे हैं, पर बहुत सारे लोग तो 5G भी यूज़ कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो 4G है वो धीरे धीरे 5G में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप लोग इसे समझ सकते हैं जो 5G सेक्टर के स्टॉक्स है उसको होने वाला है फ़ायदा, क्योंकि हम लोग अब 4G नहीं 5G यूज़ करेंगे। और जो एक टेलीकॉम कंपनी है जिसका नाम है जियो, उसने तो 5G अनलिमिटेड इंटरनेट भी देना स्टार्ट कर दिया है बहुत सारे कस्टमर को। तो इससे हो रहा है क्या कि अब बहुत ही जल्द हम लोग 5G यूज़ करने लगेंगे। तो इसके दो स्टॉक्स है जिसे होने वाला है काफी ज्यादा फायदा। तो 5G सेक्टर का पहला स्टॉक्स है वो है तेजस नेटवर्क्स। इसका शेयर प्राइस 850 रुपीज के आसपास चल रहा है और हम लोग इसमें 10,000 इन्वेस्ट करेंगे तो 11 क्वांटिटीज हमारे पास होगी। तो चलिए इसका भी एक बार फंडामेंटल्स को जल्दी से देख लेते हैं। तेजस नेटवर्क का फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो ये कंपनी मिड कैप कंपनी है। 14,400 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। स्टॉक भी अवेलेबल नहीं है। इंडस्ट्री भी 50 का है। आरओसी और आरओई दोनों नेगेटिव में है। डेप्ट 49 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट नेगेटिव में है। फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में है। प्रोमोटर की होल्डिंग 56% की है और डेप्ट टू इक्विटी 0.02 है, यानी कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। तो हमारा 5G सेक्टर का सेकेंड स्टॉक है वो है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। तो ये अभी जस्ट ही लॉन्च हुआ है, इसका IPO आया था हाल ही में, तो इसका बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट होगा प्राइस। तो मैंने इसलिए इस स्टॉक्स को लिया है क्योंकि 5G में जियो आगे है, तो इसलिए इस कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा भाग सकता है। और इस कंपनी का शेयर प्राइस 250 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसमें हम लोग 10,000 इन्वेस्ट करेंगे तो 40 क्वांटिटीज़ हमारे पास होगी। तो चलिए इसका भी एक बार, सॉरी इसका तो फंडामेंटल्स अभी तक आया नहीं है तो मैं इसका फंडामेंटल्स नहीं बता पाऊँगा। तो मैंने आप लोग को 10 स्टॉक्स बताए, वो भी अलग अलग सेक्टर से। इससे होगा क्या कि जो आपका पोर्टफोलियो है डाइवर्सिफाइड हो गया, एक सेक्टर में आपका इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, हर एक सेक्टर में इन्वेस्ट हुआ। अगर आपके पास, आप चाहते हैं आपके पास 2 लाख है तो उसी तरह आप क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर लेना। अगर आप चाहते हैं 50,000 है तो आप वैसे ही क्वांटिटी को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं हाफ ऑफ करके। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ छूट रहा है, हम लोग ने 10,000 जो इन्वेस्ट किए थे वो पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया था, उसमें से कुछ पैसा बच जा रहे थे, तो उस बैलेंस को हम लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग के पास 3,650 रुपीज़ बचा होगा, तो ये पैसा का हम लोग क्या करें। तो मैं आप लोग को ये आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग इसमें से ये 10 स्टॉक्स में जिसमें भी आपका मन है इन्वेस्ट करने का उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाहे आप स्मॉल कैप में कर सकते हैं, चाहे वो शेयर प्राइस कम है उसमें कर सकते हैं, जैसे श्री रेणुका, IRFC, ये दोनों का शेयर प्राइस कम है। तो आप लोग इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपका क्वांटिटी बढ़ जाएगा। आप लोग जैसे 222 क्वांटिटी है तो वो डायरेक्ट 300 हो जाएगा। आई होप मेरी ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने पूरे लॉजिक के साथ इन्वेस्टमेंट किया है, आप लोग बताना ये कैसा लगा इन्वेस्टमेंट, मैं इसमें क्या चेंजेस कर सकता हूँ वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको जानना है कौन सा स्टॉक्स कब भागेगा तो उसके लिए मैंने यूट्यूब में एक वीडियो बनाया है, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर इजीली देख सकते हैं और वहां से आप पता कर सकते हैं कौन सा स्टॉक कब भागने वाला है। कैसे आप पता करें कौन सा स्टॉक का ट्रेंड क्या है, बाय ट्रेंड है या सेल ट्रेंड है। तो चलिए, आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।